हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पोल्ट्री साइंस के बारे में बताने वाला हूं, जो मतलब स्टूडेंट या मतलब जो बैचमेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पोल्ट्री साइंस के बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं उसके ओविडक्ट और कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसमें पहला मतलब जो ओविडक्ट का पार्ट है, पहला है इनफंडिबुलम, दूसरा है मैग्नम, तीसरा है इस्थमस, चौथा है यूटेरस और पांचवा है वेजाइना। तो इसके लेंथ के बारे में बात करते हैं कि इनफंडिबुलम की जो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर की होती है, मैग्नम की जो लेंथ होती है 38 सेंटीमीटर होती है, इस्थमस की जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है, यूटेरस की होती है 10 सेंटीमीटर एंड वेजाइना की होती है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं कि ये मतलब जो है ओविडक्ट के पार्ट कितना टाइम लेते हैं। तो इनफंडिबुलम में 15 मिनट टाइम लेता है एग स्टोरेज करने के लिए, जो मैग्नम होता है 3 घंटा उसमें लगता है, इस्थमस जो होता है 1 घंटा 15 मिनट होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है टाइम मतलब यूटेरस में होता है। अब हम लोग कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इनफंडिबुलम का काम क्या होता है, जो ओवरी होती है यॉल्क का कलेक्शन करता है, और मैग्नम का काम क्या होता है, ये एल्ब्यूमिन को सिक्रेट करता है, इस्थमस का काम क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन को सिक्रेट करता है, जो यूटेरस का काम होता है ये मतलब सेल को भी सिक्रेट करेगा, पिगमेंट और क्यूटिकल सेल को भी सिक्रेट करता है, वेजाइना का काम होता है जो मतलब अंडे होते हैं उसको लेट डाउन करना। अब बात करते हैं फ्रेंड नोट में, तो ओवी पोजीशन क्या होती है, ओवी पोजीशन ये होती है जो लेइंग मतलब बर्ड होती है अंडे देने की प्रोसेस को, ये हम लोग ओवी पोजीशन कहते हैं। इसका जो टाइम होता है 24 से 26 आवर होता है। फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो इसमें जो हार्मोन होते हैं आर्जिनिन वासोटोसिन हार्मोन होते हैं, ये क्या करता है मतलब ओवी पोजीशन कराता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एक हैचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। चिकन एग का स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए, 58 ग्राम होना चाहिए। इसमें क्या क्या होता है, इसमें 74% वाटर होता है, 26% ड्राई मैटर होता है, 13% प्रोटीन होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर पूरा मतलब चिकन का पूरा अंडा है तो उसमें क्या क्या चीज़ होगी, 11% सेल और सेल मेम्ब्रेन होती है, 58% एल्ब्यूमिन होता है, 31% यॉक होता है। अब बात करते हैं यॉक मतलब जो एग सेल होती है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो उसमें 96% इनऑर्गेनिक होता है और 4% ऑर्गेनिक होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, इस एग मीट मिल्क इन तीनों में मतलब विटामिन सी एब्सेंट होती है, क्या क्या होगा, एग हो गई, मीट हो गई और मिल्क, तीनों में एब्सेंट होता है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ज़रूर आप नोट डाउन कीजिएगा, इस वाले पॉइंट को। अब नेक्स्ट है मतलब जूलॉजिकल नेम और इसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या है डिफरेंट स्पीसीज के, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे डोमेस्टिक फाउल चिकन है, इसका जूलॉजिकल नेम है गैलस डोमेस्टिकस, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 21 डेज। अगर एग वेट की बात करते हैं तो इसमें 58 ग्राम होता है फाउल में। और डक की बात करते हैं तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है इनस प्लेटीरोंकस होता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 28 डेज होता है, एक होता है 70 ग्राम। टर्की होता है मिलियाग्रिस गैलापार्वो होता है, इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है 28 डेज होता है, और स्टैंडर्ड एग वेट होता है 85 ग्राम। क्वेल के बारे में बात करते हैं, कॉटोनिक्स जापोनिका इसका मतलब जूलॉजिकल नेम होता है, और इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है 17 डेज का होता है, स्टैंडर्ड एग वेट होता है 10 डेज। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि मतलब ऐसा कौन सा बर्ड का स्पीसीज है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 17 डेज का होता है, तो ये क्वेल ही है। अब हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो लेयर क्या
होती है लेयर, मतलब अंडे पर्पज़ के लिए पाल ली जाती है। जो ब्रॉयलर होती है, ब्रॉयलर या फ्रायर होती है, इसको मीट पर्पज़ के लिए पाला जाता है जनरली। रोस्टर का क्या होता है, जो 12 से 16 वीक की मुर्गी होती है तो उसको मीट पर्पज़ के लिए पाला जाता है, उसको हम लोग रोस्टर बोलते हैं। कैपोन क्या होता है, कैपोन मेल फाउल मतलब कैस्ट्रेटेड मेल फाउल होता है, उसको कैपोन बोलते हैं। कॉकरेल क्या होती है, जो मेल फाउल होते हैं 1 साल से नीचे होते हैं उनको कॉकरेल बोलते हैं। पुलेट क्या होता है, जो फीमेल चिकन होती पहली बार अंडा दे एक ही बार उसमें अंडा देती है तो उसको पुलेट बोलते हैं। लोफलर क्या होता है, ये अनप्रोडक्टिव लेयर होती है। अब कॉक और रोस्टर की बात करते हैं, इसको एडल्ट मेल फाउल भी बोला जाता है। होवर क्या होता है, ब्रूडिंग का सोर्स होता है, मतलब एक प्रकार से इसमें गर्म हवा मुर्गियों में दी जाती है, उसको होवर बोलते हैं। क्लच क्या होता है, इसमें क्या होता है, मुर्गी कंसेंट्रेटेड डेज पे अंडा देने लगती है, उसको क्लच बोलते हैं। कैंडलिंग के बारे में बात करते हैं, तो कैंडलिंग क्या होती है, एक डार्क रूम होता है उसमें इलेक्ट्रिक कैंडल लगे होते हैं, उसके द्वारा अंडे को पहचाना जाता है। इसमें दो टाइप की कैंडलिंग होती है, पहली होती है फर्स्ट कैंडलिंग, दूसरी होती है सेकंड कैंडलिंग। फ्रेंड्स, इसका डेज ज़रूर आपको याद रखना है, जो फर्स्ट कैंडलिंग की जाती है वो 7 डेज में की जाती है और जो सेकंड वाली होती है वो 18 डेज में करते हैं। जो फर्स्ट कैंडलिंग होती है उसमें डिस्कार्ड इनफर्टाइल एग को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो सेकंड कैंडलिंग करते हैं उसमें डेड सेल को मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है। ये हो गई कैंडलिंग। अब हम बात करते हैं इनक्यूबेटर के बारे में, तो इसमें दो टाइप के इनक्यूबेटर होते हैं। पहला होता है नेचुरल ड्राफ्ट इनक्यूबेटर, दूसरा होता है फोर्स ड्राफ्ट इनक्यूबेटर, इसको ही कैबिनेट टाइप का इनक्यूबेटर भी बोला जाता है। जो नेचुरल ड्राफ्ट इनक्यूबेटर होता है वो फ्लैट होता है, ये स्मॉल कैपेसिटी के लिए होता है। इसमें दो टाइप के टायर लगे होते हैं, पहला हॉट वाटर टाइप होता है, दूसरा मतलब हॉट एयर टाइप, मतलब एक गर्म पानी के लिए होता है, दूसरा गर्म हवा के लिए होता है। फोर्स ड्राफ्ट इनक्यूबेटर ये कमर्शली पर्पज़ के लिए मतलब यूज में किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मतलब इनक्यूबेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरी है ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर मतलब जो फर्स्ट 18 दिन में इसका इनक्यूबेशन जो पीरियड होता है 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लास्ट मतलब ड्यूरिंग तीन दिन में जो होता है इसका जो टेम्परेचर होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको टेम्परेचर याद रखना है। और ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, 18 दिन में ह्यूमिडिटी कम होगी, 60% होगी, और लास्ट 3 दिन बाद इसकी 70% ह्यूमिडिटी हो जाती। फ्रेंड्स, इसमें एक ट्रिक होती है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, ये इसका मतलब पॉइंट है। अब वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं कि O2 और CO2 में क्या क्या मतलब इनक्यूबेटर में ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो जैसे ऑक्सीजन जो इनक्यूबेटर में होनी चाहिए 21% होनी चाहिए और CO2 होनी चाहिए 0.5%। तो इस ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने वाला है। अब पोजीशन एक के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा जब भी आपको सेटर में अंडा को रखा जाता है तो अपराइट पोजीशन में रखा जाता है, यानी कि ब्रॉड एंड जो होता है ऊपर होता है, जो नैरो एंड होता है वो नीचे होता है। जो सेटर में अंडा रखा जाता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, इसमें टर्निंग होती है अंडे में, ये 45 डिग्री सेल्सियस पे इसकी टर्निंग की जाती है। ये टर्निंग क्यों की जाती है, टर्निंग इसलिए करते हैं कि जो मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो इम्ब्रियो होता है उस स्ट्रिक ना करे, यानी कि लड़े ना, उसको बचाने के लिए टर्निंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जब टर्निंग नहीं होगी तो जो आपका चिक्स है वो मतलब कहीं डेड निकलेगा, ये प्रॉपर उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसीलिए टर्निंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एग एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हॉग यूनिट क्या होती है, हॉग यूनिट में एल्ब्यूमिन को क्वालिटी को नापा जाता है। इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है चिकन में 72 होती है,
यॉल्क इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो यॉल्क इंडेक्स क्या होता है? यॉल्क की क्वालिटी को मेजरमेंट करता है, जो इसका स्टैंडर्ड होता है 0.5 होता है। फ्रेंड्स, मैं जो मेन मेन पॉइंट है वही आपको बताने वाला हूँ, बाकी तो आप मतलब बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है तीसरा, एग शेप इंडेक्स। एग शेप इंडेक्स किस से मेजरमेंट किया जाता है? वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करते हैं। इसका जो मतलब चिकन एग का स्टैंडर्ड होता है 74 होता है, डक में होता है 72 और जो क्वेल एग होते हैं 78 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल स्ट्रेंथ। जो सेल की स्ट्रेंथ होती है वो किससे नापी जाती है? स्क्रू गाज से नापते हैं। जो इसकी स्टैंडर्ड होती है 0.3 से 0.5 mm होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर एक की देखी जाए तो इसको किससे नापते हैं? ब्राइन फ्लोटेशन टेक्नोलॉजी से मेजरमेंट किया जाता है। इसकी जो ग्रेविटी होती है 1.06 से 1.09 होती है। ये मतलब कुछ मेन मेन पॉइंट थे। अब नोट में बात करते हैं, तो बात करते हैं एक अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए 58 ग्राम में 230 mg होना चाहिए। एल्ब्यूमिन में कई लेयर होती हैं, चार लेयर होती हैं, जैसे आउटर थिन, आउटर थिक, इनर थिन, इनर थिक, यानी चार लेयर होती है। इसमें जो थिक लेयर होती है एल्ब्यूमिन में, उसमें चेलाजीफेरस होता है। ये क्या करता है? याल को होल्ड करने काम करता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर की। फिजियोलॉजिकल जो टेम्परेचर आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसमें क्या होता है? जो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है वहाँ रुक जाती है, यानी कि जितना ग्रोथ होना होता है हो जाता है, उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर कहते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, जैसे इसका टेम्परेचर होता है फिजियोलॉजिकल 70 degrees Fahrenheit, ये आपको याद रखना है। बेस्ट एज मतलब डिबीकिंग की बेस्ट एज कितनी होनी चाहिए? डे ओल्ड चिक होना चाहिए। इसमें वैक्सीन भी लगाई जाती है डे ओल्ड चिक में, HVT MD मतलब MD किल्ड की वैक्सीन लगाई जाती है। ब्रॉयलर वैक्सीनेशन मतलब तीन वैक्सीन जरूरी है, मरेक्स डिजीज, गंबोरो और रानीकित। यही जनरली आप फील्ड में भी देखेंगे, यही तीन बीमारियां आपको जनरली देखने को मिली, मरेक्स डिजीज, गंबोरो और रानीकित। ब्रूडिंग के बारे में बात करते हैं, तो ब्रूडिंग में क्या होता है? मतलब जो चूजे होते हैं मुर्गी के, उनको एक्सेसिव हीट दिया जाता है, ज़्यादा हीट दिया जाता है, उसको हम लोग ब्रूडिंग कहते हैं। इसमें मतलब ब्रूडिंग की एज जो होती है जनरली 1 से लेकर 8 वीक तक होती है। एक ब्रूडिंग यूनिट होती है 250 चिक्स, इसमें कितने बल्ब लगते हैं? 60 बल्ब लगते हैं। और हाइट कितनी हाइट पर रखना चाहिए? 6 inch की हाइट होनी चाहिए। ब्रूडर गार्ड कितना होना चाहिए? 5 feet उस रेडियस होनी चाहिए। उसकी जो एग ट्रे होती है 3 feeder या 4 water पे होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आर्टिफिशियल ब्रूडर की। तो इसमें चिक्स की एज है और मतलब कितना स्पेस होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वाटर स्पेस कितना चाहिए, इसके बारे में बात करते। तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट वीक में जो चिक्स की मतलब स्पेस होना चाहिए 100 से 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए, टेम्परेचर 95 degrees Fahrenheit होना चाहिए। सेकेंड से फोर्थ वीक में जो फ्लोर स्पेस होना चाहिए 250 से 300 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसमें जो टेम्परेचर होता है मतलब 95 से घट करके 80 तक आ जाता है। फिर तीसरा है 50 to 8 weeks में जब हो जाता है चिक्स, तो उसको स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए 700 to 800 मतलब सेंटीमीटर होना चाहिए स्क्वायर में, और टेम्परेचर 80 degrees Fahrenheit इतना आपको मेंटेन करना है। कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि पहले दिन से लेके 8वें दिन तक 95 से लेके 80 degrees Fahrenheit तक टेम्परेचर होना ही होना चाहिए। मतलब हर वीक में आपको 5 degrees Fahrenheit टेम्परेचर कम करना है। ये इसका मतलब तरीका हो गया। अब बात करते हैं जो पोल्ट्री ब्रीड होती है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसका 5 classification है। पहला है अमेरिकन ब्रीड, दूसरी है मेडिटेरियन ब्रीड, तीसरी है इंग्लिश ब्रीड, चौथी है एशियाटिक ब्रीड, पांचवी है इंडियन ब्रीड। तो इनके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो मेन मेन एग्जांपल हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं वही बात करने वाला हूँ। तो अमेरिकन जो ब्रीड होती है इसका एग्जाम्पल होता है
RIR मतलब रोड आइसलैंड रेड, ये बहुत ही कॉमन है। फिर दूसरा है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन की जो लेघन हो गई। तीसरा है इंग्लिश ब्रीड, इंग्लिश ब्रीड की कॉर्निस होती ब्रीड है वो, मतलब उसके लिए होती है मीट पर्पज के लिए। नेक्स्ट है एशियाटिक ब्रीड, एशियाटिक ब्रीड के लिए कौन सी है लेंघन्स है। फिर इंडियन ब्रीड की बात करते हैं, इंडियन ब्रीड में दो मेन है, पहली है असील, दूसरी है कड़कनाथ। नोट में बात करते हैं तो जितनी भी ऑल पोल्ट्री ब्रीड्स जो होती हैं जब वो अंडे देती है तो जनरली वो उनके अंडे ब्राउन टिंटेड एग होते हैं, और जो मेडिटेरियन ब्रीड होती है वो वाइट मतलब सेल एग देती है। नेक्स्ट बात पॉइंट है वाइट लेगन जो बेस्ट लेयर ब्रीड होती है पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। वाइट लेगन जो होती है पूरे वर्ल्ड में लेयर ब्रीड अच्छी होती है, बहुत अंडा देती है। जो कॉर्निस ब्रीड होती है ये बेस्ट ब्रॉयलर ब्रीड इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कॉर्निस ब्रीड सबसे बेस्ट होती है। अब जर्सी ब्लैक गेंट जो होती है हाईवेस्ट ब्रीड होती है, कड़कनाथ जो होती है सबसे लाइटेस्ट ब्रीड होती है, और कड़कनाथ का मीट भी काफ़ी अच्छा रहता है। एंडुलेशन जो ब्रीड होती है वो ब्लू सेल्ड मतलब अंडा देती है। फ्रेंड्स अभी बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पोल्ट्री ब्रीड के बारे में कि उसके क्या मतलब करेक्टिव फीचर है, कहाँ इसका ओरिजिन होता है। पहली है असील, असील को इसको इंडियन गेम भी बोलते हैं या लखनऊ का मुर्गा बोला जाता है या फाइटिंग कॉक के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, ये आंध्रा में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश या राजस्थान की मतलब ब्रीड है। इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होते हैं, ये मैजेस्टिक गेट होती है और इसमें फाइटिंग क्वालिटी देखने को मिलती है। इसमें ब्रूडीनेस मतलब मोस्ट कॉमन होता है। इसका जो स्टैंडर्ड वेट होता है 4.5 मुर्गे का होता है, मुर्गी का 3.5, यानी 4.5 किलो का मुर्गा होगा 3.5 किलो की मुर्गी होगी, ये इसका चीज़ है। नेक्स्ट है कड़कनाथ, कड़कनाथ कहाँ पाई जाती है, झबुआ या एमपी मतलब धार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसको काला मासी के नाम से भी जानते हैं। इसके जो कॉम्ब वाटल होते हैं पर्पल कलर के होते हैं, मैक्सिमम डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड होती है। इसको एफ्रोडिसियाटिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। जो इसका स्टैंडर्ड वेट होता है मेल का 1.5 kg होता है, उसका 1 kg होता है फीमेल का। ये कुछ कुछ पॉइंट है सिर्फ आपको मतलब सुनना है, बुक से भी चाहो तो आप रीड कर सकते हो। चतुकांग जो होती है उड़ीसा की ब्रीड है, इसको मलाई के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है बात करते हैं कोचिन की, कोचिन को संघाई फाउल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लेगन, लेगन कहाँ की है, इटली की है। इसको बेस्ट लेयर ब्रीड इन दी वर्ल्ड, लेगन जो होती है पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप की लेयर ब्रीड होती है। जो इसका स्टैंडर्ड वेट होता है मेल का 2.7 kg होता है और फीमेल का होता है 2 kg। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोड आइसलैंड की, तो इसका जो मतलब एक वेट उस जो वेट होता है मेल का 3.8 kg और फीमेल का होता है 2.8 kg। जर्सी ब्लैक गेंट की बात करते हैं तो ये मतलब सबसे भारी भरकम ब्रीड होती पूरे वर्ल्ड में, और मुर्गा होता है इसका 5.9 kg और जो मुर्गी होती है 4.5 kg होती है। अब इसमें फ्रेंड्स मतलब जो ब्रॉयलर फीड और लेयर फीड में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए 20-2007 के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको कुछ मेन पॉइंट बताऊंगा, वही आपको याद रखना है। जैसे साल्ट है, साल्ट 0.5% सब में होना चाहिए, मॉइस्चर भी सब में 11% होना चाहिए, लिनोइक एसिड जो होता है वो भी मतलब 1.1 के समथिंग होना चाहिए। ये आपको मोटा मोटा पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें जो क्रूड प्रोटीन होती है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रूड प्रोटीन स्टार्टर में कितना होना चाहिए, फिर प्री स्टार्टर होगा, स्टार्टर होगा, फिनिशर होगा, इसमें आपको याद रखना है। पहले क्रूड प्रोटीन स्टार्टर में ज़्यादा आपको देना है 23% देना है, फिर 22% देना है, फिर 20% देना है। अब फिर अगर लेयर की बात करते हैं तो उसमें 16 ऐसे करके देना है। क्रूड फाइबर की बात करते हैं तो क्रूड फाइबर ब्रॉयलर में सेम रहता है, लेयर में बात करते हैं तो 9-10 के समथिंग देते हैं। अब इथर एक्सट्रैक्ट की बात की जाए तो 2.5% ब्रॉयलर में सेम है तीनों में, और
लेयर की बात करते हैं तो लेयर में 4 और 4.5 के समथिंग होना चाहिए, यानी कि लेयर में जो AIA होता है ये ज़्यादा होता है। इथर एक्सट्रेट की बात करते हैं तो 3 to 3.5% मतलब होना चाहिए। अब मेन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैल्शियम की, जी कैल्शियम की वजह से ही मुर्गियों में अच्छी प्रॉपरली ग्रोथ होती है, उसका जो अंडा होता है उसमें जनरली कैल्शियम ही रहता है, तो आपको ये याद रखना है कैल्शियम और फास्फोरस का। तो कैल्शियम कितना होना चाहिए ब्रॉयलर में, 1% होना चाहिए, जो लेयर होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब 3% या 5% होता है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ये एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन सब में कॉमन है, चाहे ब्रॉयलर हो चाहे लेयर हो, 20% होता ही होता है। अब इसमें नोट में अगर बात करते हैं तो जो ब्रॉयलर राशन होता है 22 से 24% क्रूड प्रोटीन होती है, और लेयर में क्रूड प्रोटीन थोड़ा कम होती है, 16 से 18% होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मॉडर्न फीड एडिटिव फॉर पोल्ट्री के लिए, पोल्ट्री के लिए मतलब कौन कौन से फीड इनटेक मतलब ऐड किए जाते हैं। पहला एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला है सेंटोक्विनिन, फिर इथोक्सीक्विनिन, ये हो गए फ्लेवर इसमें, फिर दूसरा है फ्लेवरी एजेंट, फ्लेवरी एजेंट में पोल्ट्री नेक्टर के काम करती है, फिर तीसरा है पैलेट वो बाइंडर, पैलेट बाइंडर में सोडियम बेंटोनेट होता है, मोलेसेस होता है, ये चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ है। एडिटिव मतलब कलरिंग को मतलब जो कलर और क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है, इसमें जैंथोफिल, मेज और कैंथाजेंथिन यूज करते हैं। बात करते हैं फैसिलेटेड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो ग्रिट का काम क्या है, ओस्टर सेल और लाइम स्टोन को, चिलेटेड क्या है, EDTA एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, बीटा ग्लूकानेज एंजाइम होता है, इसमें एग्रोजाइम और डाइजीम होता है, प्रोबायोटिक्स जो होती है लैक्टोबेसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस मतलब उसके लिए बेनिफिट्स होती है, एंटीबायोटिक्स जैसे पेंसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको देखने को मिलेगी, मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, थायरॉक्सिन होता है, फिर इसमें डाई इथाइल एस्टिल बेस्ट्रॉल ये भी मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हेल्थ स्टेटस के लिए क्या क्या देखना है, एंटी फंगल, एंटी कॉक्सीडियल, एंटी हेलमेंथिक, ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं मतलब चिक्स की सेक्सिंग के बारे में, तो इसमें दो टाइप की सेक्सिंग की जाती है, पहली वेंट या क्लोएका या जापानी, इसको 3 नाम से जानते हैं, फिर दूसरा है प्रोटोस्कोप, तीसरी है ऑटो सेक्सिंग। जो जापानीज मेथड होती है वेंट मेथड या क्लोएका मेथड होती है बेस्ट सेक्सिंग मानी जाती है डे ओल्ड चिक्स के लिए, फिर दूसरा है प्रोटोस्कोप, तीसरी है ऑटो सेक्सिंग। ऑटो सेक्सिंग बेस्ट, ये क्या होता है सेक्स लिंक करेक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे जैसे मतलब प्लूमेक का कलर हो गया और फीदर ग्रोथ हो गई, इसके आधार पे मतलब सेक्सिंग की जाती है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं पोल्ट्री में, तो इसमें केवल और केवल लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होती है, जो राइट ओवरी होती है फंक्शनल लेस हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो इसमें 2 चैम्बर हर्ट होते हैं, मतलब पहला है प्रोवेंट्रिकुलर, दूसरा गिजार्ड, फिर नेक्स्ट है क्राप। क्राप क्या होता है, फूड के स्टोरेज का काम करता है, ये डक में अब्सेंट होता है। जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है ग्लैंडुलर टाइप के होता है, जो गिजार्ड होता है मैस्कुलर टाइप का होता है, जो गिजार्ड होता है लार्जेस्ट मतलब सिंगल आर्गन होता है पूरे बॉडी में, ये कोलिन को सिक्रेट करता है। इसका काम क्या है, गिजार्ड का ग्राइंडिंग और क्रशिंग का काम होता है। नेक्स्ट है क्लोएका, क्लोएका क्या होती है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है वेंट से बनता है, उसको क्लोएका बोला जाता है। अब कैनाबिलिज्म की बात करते हैं, तो इसमें कैनाबिलिज्म क्या होती है, इसमें मतलब जो स्पीसीज होती है मतलब कोई भी जैसे कुछ भी चीज़ खाने लगती है उसको कैनिबलिज्म बोला जाता है। रीजन क्या होता है, इसमें उसके फीड में फाइबर फ्री डाइट मतलब दी जाती है, इसमें 3 से 4% मतलब डाइट में क्रूड फाइबर होना कंपलसरी है। यह प्रॉब्लम खास करके पैलेटेड और क्रम्बल डाइट में आपको देखने को मिलेगी।
एक प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो जो मुर्गी अंडे देना स्टार्ट करती है जनरली 22 से 23 के वीक में जनरली अंडे देना शुरू कर देती है, यानी कि 5.5 मंथ में स्टार्ट हो जाता है। पीक में देखा जाए तो 32 से लेकर 35 वीक्स में ज़्यादा मतलब अंडे देती है एक प्रोडक्शन, फिर जब घटता है तो एट द रेट 0.5 पर वीक के हिसाब से घटने लगता है। अगर मतलब लेयर को देखा जाए तो 72 वीक के बाद उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। एक प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें 3 फेज होती है, 3 साइकिल डिवाइड की गई, पहला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहला है 22 से 42, फिर दूसरा है 43 से 62, फिर तीसरा है 63 से 72। ये मतलब 3 फेज होती है, इसमें आपको मतलब इस हिसाब से फीड भी पोल्ट्री में दिया जाता है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल एग के बारे में, तो एबनॉर्मल एग में जैसे पहला डबल योल्क एग हो गया, फिर दूसरा मीट स्पॉट या ब्लड स्पॉट, तीसरा है मतलब एन एग विद इन एग कंडीशन। तो इसमें जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। डबल योल्क एग में क्या होता है, ये पुलेट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेरिजन टू मतलब ओल्ड। ये होता क्यों है डबल योल्क एग, इसमें क्या होता है मतलब एक ही टाइम पे 2 से ज़्यादा ओवर रिलीज होते हैं ओविडक्ट से, तो वो डबल योल्क एग बनता है। मीट स्पॉट या ब्लड स्पॉट में 2 टाइप के होते हैं, पहला स्पॉट आपको योल्क में देखने को मिलेगा, फिर दूसरा एल्ब्यूमिन में देखने को मिलेगा। जब योल्क में देखने को मिलेगा तो उसमें आप देखेंगे जो ओवरी और इनफंडिबुलम होता है उसमें हीमोरेज आपको देखने को मिलेगा, जब एल्ब्यूमिन में होता है तो उसमें मैग्नम में हीमोरेज आपको देखने को मिलेगा। अब एग विद इन कंडीशन जो होती है रिवर पेरिस्टाल्टिक मतलब ओविडक्ट में रिवर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं, पहला पॉइंट है मोल्टिंग, दूसरा है ब्रूडीनेस, तीसरा है डीपिगमेंटेशन, चौथा है टेम्परामेंट एंड पांचवा है परसिस्टेंट। तो इसके मेन पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोल्टिंग क्या होती है, ये मतलब शेडिंग और रिवीनिंग होती है फीदर को, उसको हम लोग मोल्टिंग कहते हैं। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके पंख झड़ने लगते हैं। मोल्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले हेड से होगी, फिर नेक से होगी, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हेड नेक बॉडी विंग टेल से मतलब मोल्टिंग शुरू होना ये हो जाती है। ये जो अर्ली मोल्टर होती है पुअर लेयर, जो लेट में मोल्टिंग करती है वो गुड लेयर होती है, मतलब जो पहले मतलब मोल्टिंग होने लगेगी पंखों को झड़ने लगेंगे तो मान लो वो ख़राब मुर्गी है, मतलब अंडे ज़्यादा नहीं देगी। जो देर से मतलब मोल्टिंग करती है वो अंडे ज़्यादा देगी, बस इसका यही मतलब फ़र्क है। अब ब्रूडीनेस के बारे में बात करते हैं, तो गुड लेयर जो होती है उसमें लेस ब्रूडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लेघन जो इसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये आपको याद रखने वाली बात है। अब डीपिगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें देखेंगे डीपिगमेंटेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर तक बाल चीज़ें कलर चेंज होने लगती हैं, और मोल्टिंग में ऊपर से नीचे, ये आपको मतलब मोटा मोटा याद रखना है। जैसे वेंट हो गई, आई रिंग हो गई, ईयर लोब हो गई, बीक सैंक, ये मतलब इसमें इस सीक्वेंस होता है डिसपिगमेंटेशन का। टेम्परामेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये मोर एक्टिव अलर्ट होनी चाहिए जो गुड लेयर होती है। बैड लेयर क्या होती है, वो मतलब बहुत ज़्यादा डरेगी, सुस्त रहेगी, ये मतलब इसकी पहचान होती है। परसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो बर्ड कंटिन्यू टू लिव वेल टूवर्ड द एंड ऑफ हर फर्स्ट लिंग ईयर। मेथड ऑफ फीडिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 5 प्रकार की फीडिंग की जाती है, पहला होल ग्रेन फीडिंग, फिर दूसरी ग्रेन मास फीडिंग, तीसरी है ऑल मास फीडिंग, चौथी है पैलेट फीडिंग, पांचवी है रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल फीडिंग। इस प्रकार से फीडिंग होती है 5 टाइप की, तो इसकी सबसे जो अच्छी फीडिंग मानी जाती, बेस्ट फीडिंग होती है ऑल मास फीडिंग जो होती है, सभी मुर्गियों में दे सकते हैं आप। होल ग्रेन जो फीडिंग होती है सेलेक्टिव फीडिंग होती है, मैक्सिमम मेथड फीडिंग का यही यूज करते हैं होल ग्रेन फीडिंग। जो ग्रेन और मास फीडिंग होती है स्लाइटली मतलब कम, उससे होल ग्रेन फीडिंग से कम मतलब इफेक्टिव होती है।
अब बात करते हैं हाउसिंग के, मतलब पोल्ट्री में कितने प्रकार के हाउसिंग सिस्टम होते हैं। इसमें चार टाइप के होते हैं। पहला फ्री रेंज या इसी को एक्सटेंसिव सिस्टम बोला जाता है, दूसरा सेमी इंटेंसिव सिस्टम, तीसरा होता है फोल्डिंग यूनिट, चौथा है इंटेंसिव सिस्टम। तो हम लोग इंटेंसिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो टाइप के होते हैं, पहला है डीप लीटर, दूसरा है केज। डीप लीटर में क्या होता है, ब्रॉयलर और लेयर दोनों को पाला जाता है। इसकी जो डेप्थ होती है 8 से 12 इंच होती है। स्पेस होता है फ्लोर का 3.5 से 4 स्क्वायर फीट होना चाहिए। इसमें जो मतलब जैसे बीट है उसको सुखाने के लिए 0.5 kg पर 15 स्क्वायर फीट मतलब ये सुपर फास्फेट या हाइड्रेट लाइम यूज किया जाता है उसके फ्लोर पे। जो टर्निंग होती है लीटर की, सप्ताह में एक बार जरूर मतलब वो करना चाहिए टर्निंग, जिससे कि कोई भी वो नहीं होना चाहिए इन्फेक्शन वगैरह। अब केस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, बैटरी केस सिस्टम में तो मतलब ये हाउस ओनली ओनली लेयर के लिए की जाती है। इसका जो स्पेस होता है फ्लोर 14x16x17 इंच होना चाहिए। अब एक को प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से मेथड है, तो इसमें भी चार टाइप की है। पहला है अर्थन पॉट्स मेथड, दूसरा ऑयल इमर्सन लिक्विड इमर्सन मेथड हो गई, तीसरा ऑयल कोटिंग मेथड, चौथा रेफ्रिजरेटर। तो जो लिक्विड इमर्सन है तो इसमें लाइम वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब वो करते हैं ट्रीटमेंट। ये फिर इसमें मतलब दो पार्ट में है, पहला लाइम वाटर ट्रीटमेंट, फिर दूसरा वाटर ग्लास ट्रीटमेंट, इस प्रकार से किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा अंडे होते हैं उनको प्रिजर्विंग करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है। पहली कोल्ड स्टोरेज मेथड, दूसरी थर्मो स्टेबलाइजेशन मेथड, फिर तीसरी पाश्चराइजेशन मेथड। तो जो दूसरी होती है थर्मो स्टेबलाइजेशन मेथड, इसका मतलब ये क्या करती है, एल्ब्यूमिन की क्वालिटी को स्टेबलाइज करती है। इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑयल बाथ में मतलब 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट के लिए करते हैं। पाश्चराइजेशन हो गई। नेक्स्ट मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी वायरल डिजीज होती है, मतलब कौन कौन सी पोल्ट्री में डिजीज होती है। पहली है वायरल, फिर दूसरी बैक्टीरियल, तीसरी है फंगल, चौथी है विटामिन और मिनरल इसके डिफिशेंसी से, मतलब ये कुछ जो मेन डिजीज है उसके बारे में मतलब दिया गया है। पहली है मतलब वायरल के बारे में बात करते हैं तो रानी खेत हो गई, गंबोरो हो गई, मरेक्स डिजीज हो गई, फाउल पाक्स हो गई, आईबी हो गई, ये मेन इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। बैक्टीरियल के बारे में बात करते हैं तो पुलोरम हो गई, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज हो गई, इन्फेक्शियस कोराइजा हो गई। फंगल के बारे में बात करते हैं तो एस्परजिलोसिस हो गई, एफ्लाटॉक्सिकोसिस हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फंगल में। विटामिन्स की अगर बात करते हैं, विटामिन्स मिनरल्स की, तो न्यूट्रिशनल ड्रॉप हो गई, पॉलीन्यूराइटिस हो गई, कल टोई पैरालिसिस हो गई, क्रेजी चेक डिजीज या इंसफेलो मलेशिया हो गई, पेरोसिस या स्लिप टेंडन डिजीज हो गई, स्वालन हाक सिंड्रोम हो गया, फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम हो गया, फीमोरल हेड नेक्रोसिस हो गई। ये कुछ मतलब डिजीज थी फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।